हर प्रोडक्ट 100 रुपए 100 रुपए 100 रुपए। हाई एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दैट बूम फैक्टर आंसान। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो गाइज, आज की वीडियो पार्ट 2 है स्किन केयर प्रोडक्ट अंडर 100 रुपीज फ्रॉम नाइका। एंड गाइज, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो आपको जरूर देखना चाहिए। उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा एंड डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। एंड ऑल्सो गाइज, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। एंड ऑल्सो बेल बटन को हिट कर देना, जो बहुत ज़रूरी है। तो यार, चलो फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। सारे प्रोडक्ट जो कि अंडर 100 रुपीज है। चलो सबसे फर्स्ट, आई हैव दिस ममर्थ की ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर, फेस मॉइस्चराइजर विद एप्पल साइडर विनेगर के साथ आती है, फॉर एक्ने प्रोन स्किन के लिए गाइज है। एंड इसका प्राइस है 99 रुपीज, 25 ग्राम का ये प्रोडक्ट है गाइज। एप्पल साइडर विनेगर हमारे फेस के लिए ऑब्वियसली अच्छा होता है, अगर आपको नहीं पता तो। हाँ, हमारे फेस के लिए अच्छा होता है तो अच्छी है गाइज ये ओल्ड स्किन के लिए, एक्ने प्रोन स्किन के लिए अच्छी है ये। बस इसका एक ही मुझे अच्छी नहीं लगती, इसको ब्लेंड करना पड़ता है गाइज, मतलब लगाते रहो उसको, मतलब ब्लेंड बहुत देर में होती है ये, बट अच्छी है। तो नेक्स्ट है गाइज, अगेन मेरे पास ये ममर्थ का उपटन फेस मास्क विथ सेफरन टर्मरिक एंड एप्रिकॉट ऑयल, स्किन ब्राइटनिंग पैराबेन एंड सिलिकॉन फ्री, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, 25 ग्राम का ये आता है। एंड इसका प्राइस है 99 रुपीज। गाइज, ये काफ़ी अच्छा फेस मास्क है, ऑल स्किन टाइप की है ये फेस मास्क। ये मेरी सेकेंड ट्यूब है गाइज, काफ़ी अच्छा फेस मास्क लगता है ये। मैं छोटा ही मंगवाती हूँ, बड़ा वाला पता नहीं मैं क्यों नहीं मंगवाती, क्योंकि छोटे मेरे चल जाते हैं तो इसलिए मैं छोटा ही मंगवाती हूँ। बड़ा भी मंगवाती हूँ काफ़ी प्रोडक्ट, बट जो मेरा छोटा चल जाते हैं तो वो मैं छोटे से ही काम चला लेती हूँ। एंड गाइज, अगेन इसमें भी वही चीज़ है गाइज जो मैंने उसमें बताया आपको बायोटिक वाले में, कि आपको थोड़ी थोड़ी टिंगलिंग सेंसेशन होती है, तो इसको लगाने के बाद भी हल्की हल्की फेस पे टिंगलिंग सेंसेशन होती है, जो कि नॉर्मल है, उससे कुछ नहीं होता। बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, कभी आप मेरे को बोलो आपने ऐसा ऐसा बताया था, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, मेरे को होती है, शायद आपको ना हो, है ना, तो इसलिए। नेक्स्ट है गाइस, दिस निविया क्रीम, एंड इसका प्राइस है 50 रुपीज़, क्वान्टिटी है इसकी 30 ml की। गाइज, अगर आप टीनेजर जो बिगनर जो है, अगर आपकी ड्राई स्किन टाइप है, तो मुझे लगता है आपके पास ज़रूर ये मॉइस्चराइजर होगा, है ना, अगर है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ड्राई स्किन टाइप के लिए अमेजिंग मॉइस्चराइजर है गाइज, ये अफोर्डेबल भी है। नेक्स्ट गाइज, मैंने मंगवाई है दिस अलॉय एक्सट्रैक्ट, गिनी कंपनी की है, गिनी क्ली क्लिंजिंग एंड मेकअप रिमूवर वाइप्स, 10 वेट वाइप्स हैं गाइज इसके अंदर, यहाँ से ये ओपन होता है। एंड इसका प्राइस है 30 रुपीज़, एंड ये मैंने फर्स्ट टाइम मंगवाई है, तो इसको यूज़ करूँगी, फिर आप लोगों को बताऊँगी अपनी किसी वीडियो में कि ये कैसी थी। एंड गाइज, ये 30 रुपीज़ की थी 10 पीस, तो इसलिए मैंने मंगवा लिया, तो यस। नेक्स्ट गाइज, आई हैव अगेन ममर्थ के मैंने काफ़ी मंगवा लिए, क्योंकि सस्ते थे गाइज, 100 रुपये में फेस वॉश भी आ गया, फेस मास्क भी आ गया, मॉइस्चराइजर भी आ गया 100 रुपये में, वो भी ममर्थ का, है ना, बढ़िया बात। ओके, तो नेक्स्ट गाइज, ये है ममर्थ का उपटन फेस वॉश विथ टर्मरिक एंड सेफरन, ये फॉर 10 रिमूवल है गाइज, ये पैराबेन फ्री है, सिलिकॉन फ्री है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, सूट फॉर ऑल स्किन टाइप्स, एंड ये भी 99 रुपीज़ का है, 25 ml का है ये प्रोडक्ट गाइज। ये मेरी सेकेंड ट्यूब है, एंड ये मैंने ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है, जब मैंने फर्स्ट टाइम मंगवाया था तो purple.com से मंगवाया था। एंड गाइज, ये काफ़ी अच्छा है गाइज फेस वॉश, इसके अंदर पता है क्या, स्क्रब की पार्टिकल्स भी हैं हल्के हल्के, मतलब होते हैं कोई लोग जिनको स्क्रब करना नहीं अच्छा लगता या उनको सूट नहीं करता स्क्रब, फिजिकल स्क्रब उनको सूट नहीं करता, तो ये इसके अंदर बहुत हल्के हल्के लाइट से स्क्रब के पार्टिकल दिए हैं, तो जब आप फेस वॉश करोगे तो वो आपकी डेड स्किन सेल्स को भी निकाल देगा, तो अच्छी बात है इसके अंदर वो। नेक्स्ट गाइस, आई हैव दिस सिंपल का सेंसिटिव स्किन एक्सपर्ट काइंड ऑफ स्किन मिसलर क्लिंजिंग वाटर, 50 ml का है गाइज ये, एंड 100 रुपीज़ का, 99 रुपीज़ का है वैसे तो, बट आई थिंक मेरे को ये 70-80 का पड़ा। फ्री का शीट मास्क है गाइज ये, एंड ये 99 रुपीज़ का आता है, मैं 100 रुपीज़ पिक कर रही थी तो मैंने सोचा ये ना हो 100 रुपीज़ के अंदर, तो स्किन केयर इनकम्प्लीट है, तो इसलिए मैंने ये मंगवाया। नेक्स्ट है गाइज, आई हैव दिस बीबी क्रीम फ्रॉम गार्नियर स्किन नेचुरल ब्यूटी बेनिफिट क्रीम,
डेली ऑलिव एंड मॉइस्चराइजर एंड SPF 24 PA++ UVA एंड UVB प्रोटेक्शन के साथ आती है विच इज अमेजिंग। एंड गाइज ये स्पेशली इंडियन स्किन टोन के लिए डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है। एंड गाइज का प्राइस है 75 rupees, 9 ग्राम का ये प्रोडक्ट है एंड बहुत छोटा सा है गाइज बट क्यूट सा लाइक दिस। बट गाइज थोड़ी सी आपको क्वांटिटी चाहिए तो आराम से आपका एटलीस्ट 1 month तो ये चल जाएगा। एंड समर्स के लिए गाइज मैं तो यही रिकमेंड करूँगी लाइट वेट ही प्रोडक्ट यूज़ करें जो आपको एक लाइट कवरेज भी दे दे एंड आपका काम भी हो जाए। एंड तो मैं आपको ये दोनों ही रिकमेंड करूँगी समर्स के लिए। 3 चीज़ एक्चुअली, आप ओले लगा सकते हो, बीबी क्रीम लगा सकते हो या कंसीलर लगा सकते हो। समर्स के लिए यही तीनों ही बेस्ट ऑप्शन होते हैं गाइज। लाइट कवरेज मिल जाती है उससे आपको एंड ज़्यादा है ना स्वेटिंग भी नहीं आती, गर्मी भी नहीं लगती, काम हो जाता है आपका। नेक्स्ट गाइज आई हैव दिस एलोवेरा जेल फ्रॉम नेचर एसेंस, प्लास्टिक के टब में आती है ये। एंड गाइज इसका प्राइस है 95 rupees, 100 ml का ये प्रोडक्ट है, मेड इन इंडिया है। एंड गाइज इसके अंदर है विद एलोवेरा जेल एंड पेपर मिंट ऑयल है, ऑल स्किन टाइप के लिए है। गाइज ये मैंने जब फर्स्ट टाइम मंगवाई थी ना तो ये मैंने तुपके में मंगवा ली थी, मतलब मेरे को कोई एलोवेरा जेल चाहिए था एंड बहुत सारे तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था कौन सा लूँ कौन सा ना लूँ। तो इसके मैंने रिव्यू देखे थे, रिव्यू लोगों ने काफ़ी अच्छे दे रखे थे तो इस वजह से मैंने ये मंगवा ली थी। एंड गाइज ये जब मैंने मंगवाई थी और ये जो मैंने मंगवाई है मेरी 3rd टब है, मतलब मुझे इतनी अच्छी लगी एलोवेरा जेल। क्यों अच्छी लगी गाइज, एक तो ये लाइट वेट है, बहुत एकदम वाटरी सा है इसका फॉर्मूला। एंड एट द सेम टाइम गाइज अगर आप इसको डेली यूज़ करते हो ना तो आपके जो एक्ने स्पॉट हैं, पिंपल के जो मार्क्स हो जाते हैं, वो ये धीरे धीरे रिड्यूस करता है। एंड सच में ही मेरे को फ़र्क इससे दिखा है, ये मैंने लगातार यूज़ करा 1 महीना, मुझे बहुत अच्छा फ़र्क दिखा है इससे। एंड इसके अंदर ना पेपरमेंट ऑयल है तो आप जब इसको लगा दो ना तो आपको थोड़ा ठंडा ठंडा सा लगता है, जो कि काफ़ी अच्छा है एंड ऑल्सो अफोर्डेबल भी है, 95 rupees का है। तो यस नेक्स्ट आई हैव दिस। ओके तो नेक्स्ट गाइज मैंने मंगवाया था, ये मैंने अभी नहीं मंगवाया, ये मैंने इससे पहले मंगवाया था बट मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए क्योंकि काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है गाइज। ये है ब्लू हेवन का लिप बॉम, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का है गाइज, ये काफ़ी अच्छा है गाइज। एंड लुक एट द पैकेजिंग, इसकी पैकेजिंग पे तो मैं फिन हूँ, काफ़ी अच्छी है गाइज। लुक एट द पैकेजिंग, ये मैंने अभी मंगाया, देखो आप लोगों को दिख रहा होगा इतना यूज भी नहीं किया मैंने क्योंकि मैंने अभी ही मंगवाया था ये। एंड इसकी फ्रेग्रेंस भी काफ़ी अच्छी है, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है गाइज। इसके मैंने 3 यूज़ किए हुए हैं, बबल गम वाला, स्ट्रॉबेरी और एक कोको बटर या कोको वाला कुछ है समथिंग, वो वाला भी काफ़ी अच्छा है। एनी लिप बॉम मेरी मॉम को भी अच्छा लगता है गाइज, समर्स के लिए बेस्ट ऑप्शन है, अच्छे से लिप्स को हाइड्रेट कर देता है, मॉइस्चराइज कर देता है। एंड इसका प्राइस 80-85 ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। इसकी आउटर पैकेजिंग पता नहीं कहाँ हो गई, मैं दिखाती हूँ आपको, एक पैकेजिंग के साथ आता है, यूँ ही ऐसे लिप बॉम आ जाती है, इसकी पैकेजिंग के साथ आता है। एंड इसके रिजल्ट्स भी अच्छे हैं, यूँ ही बस पैकेजिंग दिख रही है तो ले लिया, नहीं इसके रिजल्ट्स भी अच्छे हैं, तभी मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ कि आप लोगों को एक बार इस पर यूज़ करके देखना चाहिए। ओके तो लास्ट प्रोडक्ट है गाइस, दिस एवरयूथ का नेचुरल गोल्डन पील ऑफ मास्क विद 24 कैरेट गोल्ड के साथ ये आता है। एंड गाइस इसका प्राइस 50 है एंड 30 ग्राम का ये प्रोडक्ट है। गाइस ये मैंने जब यूज़ किया था आज से 2-3 साल पहले, जब फर्स्ट टाइम इसको लिया था तो मैंने पहली बार इसको यूज़ किया था ना गाइस, पहली बार भी मुझे इसको इतने अच्छे इसके रिजल्ट मिले थे, पहली बार मुझे इतना अच्छा लगा था ये। एंड मैं आज तक इसको यूज़ कर रही हूँ, मतलब कर लेती हूँ वीक में एक बार, महीने में एक बार, बट करती ज़रूर हूँ क्योंकि काफ़ी अच्छा है गाइस, इंस्टेंट आपको रिजल्ट देता है। एंड अगर अभी तक आपने नहीं इसको यूज़ करा तो क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो ये बताओ। अफोर्डेबल चीज़ भी इतनी अच्छी अच्छी है ना कि आपको अच्छे रिजल्ट दे सकती है, बट सबसे पहले उसको आपको यूज़ करना चाहिए और उसको यूज़ करने से पहले आपको जो भी यूज़ करो पैच चेक ज़रूर करो, समझ आ रही है बात। यस तो यस ज़रूर ट्राई करो गाइस, नहीं किया तो। तो या गाइस सारे प्रोडक्ट ख़त्म हो चुके हैं क्योंकि इतने ही पैसे थे मेरे पास, क्या कर सकते हैं। तो या गाइस कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लो गाइस, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग अमेजिंग हेल्पफुल इंफॉर्मेटिव वीडियोस मेरे चैनल पर आती रहेंगी, और शॉर्ट्स वीडियोज मेरे देख लेना क्योंकि वो भी आपको हेल्पफुल लगेंगी, इंफॉर्मेटिव लगेंगी। तो या मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़।